Good morning, dear students. Students, today I am here in this English class to discuss about two important topics, and that is all about writing skill. Okay? So you get some writing skill in your final examination and other examinations as well. So here I have written on the board two paragraphs about two important topics. Now we will learn those and we will try to understand what is written on the board and what is all about topic. So you can see on the board, mobiles everywhere. This is the first paragraph I am going to make you understand. And next is newspaper reading. So newspaper is one of the important article we use daily. Okay? And what is the importance of reading newspaper? I have already written. And what are the uses and abuses of mobile phones? You can see from this paragraph. Let us start. Mobile phones are now everywhere. So mobile phones are everywhere. That means हम लोग देखते हैं हर जगह में आजकल mobile phones हैं. Okay? Mobile phones means cell phones. These are with everyone every minute. Mobile जो है हर एक के हाथ में दिखा जाता है और हर एक पल में सबके हाथ में सबके साथ में रहते हैं. मोबाइल फोन्स हैव बिकम वेरी चीप. मोबाइल फोन्स बहुत सस्ता हो चुका है. सो इट हैज नो मोर ए प्रॉब्लम टू हैव देम. इसलिए मोबाइल फोन रखना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. मोबाइल फोन हर एक के पास रहता है और ऐसा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बहुत सस्ता है, कोई भी खरीद सकता है. द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट दिस कैन बी कैरीड एनीवेयर. मोबाइल फोन का एक सबसे बड़ा सुविधा यही है कि ये कहीं भी जाओ इसको लेके जा सकते हो, लेने में कोई दिक्कत नहीं है. वी कैन टॉक टू ए डिस्टेंट पर्सन विद इन सेकेंड्स. बहुत दूर में रहने वाले कोई भी इंसान के साथ हम लोग एक सेकेंड में या तो बहुत कम समय में हम लोग बातचीत कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू डायल हिज फोन नंबर. और इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना, उसका नंबर को डायल करना है. देयर इज नो डाउट दैट मोबाइल फोन्स आर ए बिग हेल्प. But this can become bad and harmful if used unwisely. इसमें कोई संदेह का गुंजाइश नहीं है कि मोबाइल फोन बहुत काम का चीज है. और उसके साथ साथ ये भी हम लोगों को समझना है ये बहुत नुकसानकारी है अगर सही ढंग से सही रूप से इसको इस्तेमाल नहीं किया जाए. Criminals also use mobile phones for wicked purpose. दुष्ट लोग जो रहता है, क्रिमिनल्स लोग जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? पापी लोग अपना पाप काम में ये मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं. यंग बॉयज एंड गर्ल्स कीप चैटिंग ऑन फोन फॉर लॉन्ग आवर्स, thereby wasting their precious time as well as parents' hard-earned money. छोटे छोटे बच्चे लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, बहुत देर तक बातचीत करते रहते हैं और इसमें क्या होता है, समय तो नष्ट होता ही है, कीमती समय का बर्बाद तो होता है. उसके साथ साथ पापा मम्मी बहुत कष्ट से जो पैसा कमाया है वो पैसा भी पानी में चले जाते हैं. नो डाउट मोबाइल फोन्स आर एग्रेसिव इफ यूज्ड जुडिशियसली. इसमें कोई संदेह नहीं है अगर सही ढंग से सही रूप से सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो मोबाइल फोन आशीर्वाद के रूप में हमारे पास आए हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज आवर मोबाइल्स. और ये निर्भर करता है कि आशीर्वाद है या दूसरा कुछ है, हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर निर्भर करते हैं. ओके? इट इज इन आवर ओन हैंड्स टू मेक इट ए बून और ए पेन. हमारे हाथ में ही है, हमारे हाथ में ही ये है कि मोबाइल फोन हमारे लिए आशीष लाएंगे या श्राप लाएंगे. बुन मतलब आशीष, बेन मतलब कर्स, श्राप.
तो मोबाइल फोन जो है ये आशीर्वाद है या तो अभिशाप है, ये हम लोग इस्तेमाल करने के माध्यम से हम लोग इसको मिलेगा, मतलब इस्तेमाल के ऊपर में निर्भर करता है ये आशीर्वाद होगा या अभिशाप होगा। ओके, नाउ द विंडो नेक्स्ट पैराग्राफ न्यूज पेपर रेडी। यू हैव एक्चुअली नोटिस न्यूज पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मॉर्निंग आवर्स डोर टू डोर एंड सम पर्सन्स बाय न्यूज पेपर्स फ्रॉम द शॉप ऑल्सो बुक स्टॉल और बुक स्टॉल ऑल्सो। सो वट इज द यूज, वट इज द यूज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज पेपर हियर इज रिटन। We all are eager to know what is happening at home and abroad. We satisfy this curiosity in us by reading the newspaper regularly. हम सब कोई जानने के लिए बेचैन रहते हैं। हमारे घर में जो कुछ होता है वो हम लोग जानते हैं, घर के बाहर में, आसपास में, दूर दूर में क्या क्या घट रहा है इसके बारे में हम लोग को जानने के लिए बेचैनी रहता है। हम लोग बहुत उत्सुकता से इंतजार करते रहते हैं और ये जो हम लोगों का उत्सुकता इसको पूर्ण करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर हम लोग रेगुलर पढ़ते हैं। इट इज रियली मस्ट फॉर ए मॉडर्न लाइफ। तो आधुनिक जो जिंदगी है ये जिंदगी में न्यूज़पेपर रीडिंग एक आवश्यक चीज है, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ओके, द न्यूज़पेपर ब्रिंग्स द होल वर्ल्ड टू आवर डोर। अखबार जो होता है पूरा पृथ्वी को हमारे दरवाजे के सामने लाते हैं। दरवाजे पे न्यूज़पेपर आ गया मतलब पूरा पृथ्वी आ गया, बिकॉज क्योंकि द न्यूज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, न्यूज फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस कम विद द न्यूज़पेपर। ओके, इट कंटेन्स न्यूज अबाउट पॉलिटिक्स, कॉमर्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फिल्म्स एंड थिएटर्स एक्सेट्रा। तो न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज रहता है, बहुत सारे खबर रहते हैं। किस किस खबर रहता है इसमें, रहता है राजनीति का खबर, व्यापार का खबर, खेल कूद का समाचार और जो पिक्चर बनता है, सिनेमा जो वर्ल्ड है उसके बारे में जानकारी मिलता है, थिएटर के बारे में भी जानकारी मिलता है। वी ऑल्सो ग्रेट इट इन वेदर रिपोर्ट्स, वी ऑल्सो गेट इन इट वेदर रिपोर्ट्स। हम लोग न्यूज़पेपर में वेदर के बारे में, मौसम के बारे में भी जानकारी हम लोग को मिल जाता है। एंड रेलवे टाइम टेबल्स, और कौन सा गाड़ी, कौन सा रेल, कौन सा ट्रेन किस समय में छूट रहा है, कौन सा ट्रेन कैंसिल हो चुका है तो इसके बारे में, और किस समय में चल रहा है, किस हद तक कैसे हो रहा है रेल के बारे में, वो भी हम लोग को मिल जाता है। रेलवे के टाइम टेबल वो भी हम लोगों को न्यूज़पेपर में मिल जाता है। आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारे विषय में बहुत सारा लिखा हम लोगों को मिल जाता है, साथ है जैसे कि हेल्थ, एग्रीकल्चर, क्या क्या मिलता है हम लोगों को हेल्थ के टॉपिक मिलता है स्वास्थ्य के बारे में, और एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान खेती बाड़ी के बारे में, इंडस्ट्री कारखाना में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिलता है, और ये सब चीज जो है इंक्रीज आवर नॉलेज, हमारा ज्ञान को बढ़ाते हैं। ओके, द एडिटोरियल्स एंड द लेटर्स टू एडिटर हाईलाइट करंट इश्यूज एंड फॉर पब्लिक ओपिनियन। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स नाम का एक कलाम रहता है जिसमें एडिटर के पास बहुत सारे लोग शिकायत लिखते हैं, बहुत सारे विषय में चर्चा करते हैं, ये सब जो है क्या करते हैं, हाईलाइट करंट इश्यूज, वर्तमान समाज में क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या दिक्कतें हैं इसके बारे में चर्चा किया जाता है। एंड फॉर्म पब्लिक ओपिनियन, और इसमें क्या होता है, आम जनता का जो मत होता है, आम जनता का जो डिसीशन होता है इसमें आ जाता है। तो न्यूज़पेपर के जरिए ये पता चलता है जनता क्या सोच रहे हैं। न्यूज़पेपर हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेली लाइफ, और इसी तरह अखबार जो है, न्यूज़पेपर जो है, हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बट वी शुड बी केयरफुल इन रीडिंग द न्यूज़पेपर्स,
मगर अखबार पढ़ते समय हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। क्या सावधानी? मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स आर पार्टी पेपर्स, ज्यादा से ज्यादा अखबार जो होता है उसमें राजनीति का खबर ज्यादा रहता है, कौन सा नेता क्या किए, कहाँ पे क्या हो रहा है चुनाव में, ये सब ज्यादा खबरें रहता है। और जनता को क्या करते हैं? नेक्स्ट रिटर्न ऑलरेडी एंड दे ट्राई टू मिसलीड एंड मिसगाइड द रीडर्स, और पाठक जो है, जो पढ़ने वाला जो है, उनको मिसगाइड करते हैं, मतलब विपथ में ले जाते हैं, अपना ट्रैक से दूसरा जगह में ले जाते हैं, सही रास्ता में नहीं, रास्ता को दे सही रास्ता नहीं दिखाते, दूसरा गलत रास्ता दिखा देते हैं। सो दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। ओके, न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर डेली लाइफ बिकॉज इट हेल्प्स अस इन मेनी वेज, इट हैज सो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, ओनली नेगेटिव एस्पेक्ट इज दैट सम अनइम्पोर्टेंट पॉलिटिकल मिसलीडिंग मिसगाइडिंग न्यूज़ेस आर आल्सो देयर, यू शुड बी केयरफुल अबाउट दोस थिंग्स। कुछ कुछ खबर ऐसा होता है जो कि तुम्हें मिसगाइड कर सकते हैं, तुम्हें मिसलीड कर सकते हैं, तो उस खबर को तुम लोग उनको अच्छा से पढ़ के देखा देख के सोचना या समझना और छोड़ना चाहिए कि ये हमारा काम का नहीं है, ये हमें दूसरा रास्ता में खराब जगह में ले जा रहे हैं। तो इस तरह खबर को पढ़ते समय में चुनना चाहिए। बट रीडिंग द वर्ड्स, रीडिंग द सेंटेंस, ट्राइंग टू नो द मीनिंग ऑफ द जीस्ट, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट्स जो होता है वो न्यूज़पेपर खरीदेंगे, पढ़ेंगे, वर्ड सेंटेंस ग्रामर रीडिंग प्रैक्टिस सब कुछ इसमें से हो जाता है। एंड नॉट ओनली दिस, बिसाइड्स दिस दे गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड होम, घर के बाहर में जो पृथ्वी उसके बारे में जानकारी मिलता है। जस्ट यू हैव टू बी अलर्ट अबाउट द पॉलिटिकल न्यूज एंड द अनइम्पॉर्टेंट न्यूज़ेस, रेस्ट दोज आर वेरीफाइड व्हिच वी गेट फ्रॉम न्यूज़पेपर। ओके, सो आई थिंक यू कुड अंडरस्टूड व्हाट द पैराग्राफ्स टेलिंग। Once again, just I am telling to try to make you understand what is written there in the paragraph, so that for the first time, whoever could not understand, for the second time, you must understand. Okay? Mobiles everywhere. So this is actually written about mobile phones. Mobile phones are now everywhere. हर जगह में mobile phone आजकल मिलता है. There are These are with everyone every minute. हर कोई पल में हर किसी के साथ मोबाइल फोन हम लोगों को देखने को मिलता है। मोबाइल फोन्स हैव बिकम वेरी चीप, सो इट इज नो मोर ए प्रॉब्लम टू हैव देम। मोबाइल फोन इतना सस्ता है इसलिए सबके हाथ में सबके पास में हम लोगों को दिखाई देता है। द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट, एडवांटेज मतलब सुविधा। ओके, द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट दिस कैन बी कैरीड एनीवेयर। सबसे बड़ा सुविधा ये है मोबाइल फोन को हर जगह में लिया जा सकता है। वी कैन टॉक टू ए डिस्टेंट पर्सन विद इन सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स में हम लोग दूर में रहने वाले किसी के साथ भी हम लोग बात कर सकते हैं। यू मस्ट हैव टू डायल दिस फोन नंबर, तुम्हें खाली फोन नंबर को डायल करना है। देयर इज नो डाउट दैट मोबाइल फोन्स आर अ बिग हेल्प, इसमें कोई संदेह नहीं है, मोबाइल फोन बहुत मददगार है। बट दिस कैन बिकम बैड एंड हार्मफुल इफ यूज्ड अनवाइजली। अनवाइजली मतलब विदाउट थिंकिंग पॉजिटिवली, विदाउट थिंकिंग मच, ज्यादा से ज्यादा चिंता ना करके सोच, बिना सोच समझ में जो इस्तेमाल करना है उसमें बहुत खराब हो सकता है, नुकसान हो सकता है। क्रिमिनल्स ऑल्सो यूज मोबाइल फोन्स फॉर विकेड पर्पस, अपना काम को सिद्ध करने के लिए दुष्ट लोग जो होता है वो लोग भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। यंग बॉयज एंड गर्ल्स कीप चैटिंग ऑन फोन फॉर लॉन्ग आवर्स, छोटे छोटे बच्चे बालक बालिका जो होता है बहुत देर तक मोबाइल में घंटे तक बात करते रहते हैं। दे आर बाय वेस्टिंग देयर प्रेशियस टाइम एज वेल एज पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी, और इसी तरह वो लोग अपना कीमती समय को बर्बाद करते हैं, उसके साथ साथ
मम्मी और पापा का बहुत मुश्किल से मेहनत से कमाया हुआ जो पैसा है वो भी नष्ट करते हैं। नो डाउट मोबाइल फोन्स आर अ ब्लेसिंग इफ यूज्ड जुडिशियसली, इस पे कोई संदेह का बात नहीं है, अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए मोबाइल फोन क्या होता है, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज आवर मोबाइल्स, और ये सब निर्भर करता है हम लोग किस तरीके से मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर। इट इज इन आवर ओन हैंड्स, ये हमारा अपना हाथ नहीं है टू मेक इट ए गुड और ए बैड, आशीर्वाद या अभिशाप क्या बनाएंगे हम लोग मोबाइल को, ये हमारा हाथ नहीं है। That means we make mobiles boon or bane. Bane means curse. Boon means blessing. Okay. Boon means blessing. Bane means curse. Next topic. What? Newspaper reading. You can see we all are eager. Eager मतलब जानने की इच्छा रखते हैं. We all eager to know what is happening at home. हमारे घर में क्या-क्या होता है. And abroad. Home मतलब home means here, not home. Home means inside the country. Okay? Listen carefully. Home means here, not the house where we live. Home means inside our country, inland. Okay? That means inland news. And abroad means outside the country, foreign countries. So, we all are eager to know what is happening at home and abroad. हमारा देश में और देश के बाहर में क्या क्या होते हैं, हम लोग उनके जानने के लिए इगार रहते हैं, उत्साही रहते हैं। We satisfy this curiosity. ये जो जानने का जो इच्छा है, curiosity means eagerness. ये जो जानने का इच्छा जो है, इसको हम लोग satisfy करना, fulfill करना, fulfill पूरा करना. We satisfy this curiosity. इस तरह जो जानने का इच्छा हम लोग इसको पूरा करते हैं. इस तरह in us by reading the newspaper. हमारे अंदर में जो ये इच्छा है, इसको पूरा करते हैं. इस तरीके से by reading the newspaper regularly, daily, हर दिन. पढ़ के हमारा जो बाहर के बारे में जानना, हमारे देश के अंदर विचारों में क्या जानना, इसको जानने के लिए जो उत्साह रहता है उसको पूरा करते हैं हम लोग न्यूज़पेपर या तो अखबार पढ़ते हैं। ओके, इट इज रियली मस्ट फॉर मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जो जिंदगी है तो इस जिंदगी के लिए वर्तमान समय में न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। द न्यूज़पेपर ब्रिंग्स द होल वर्ल्ड टू आवर डोर, अखबार पूरा पृथ्वी को हमारा दरवाजे के सामने ले आते हैं। इट कंटेन्स न्यूज अबाउट पॉलिटिक्स, कॉमर्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये अखबार जो है क्या क्या खबर लाते हैं, राजनीति के खबर, कॉमर्स पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, कॉमर्स मतलब व्यापार, गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलकूद का खबर लाते हैं, टॉपिक्स और फिल्म्स एंड थिएटर्स एक्सेट्रा। फिल्म्स जो है, थिएटर्स जो है, फिल्म्स मतलब सिनेमा वर्ल्ड, थिएटर मतलब जो स्टेज में दिखाया जाता है, इसके बारे में भी खबर लाते हैं। We also get in it weather reports. इसमें न्यूज़पेपर में हम लोग क्या कहते हैं, वेदर रिपोर्ट्स भी हम लोगों को मिल जाता है। वेदर रिपोर्ट्स मीन्स मौसम के बारे में जानकारी, मौसम के बारे में जानकारी भी मिल जाता है। एंड रेलवे टाइम टेबल्स, कौन सा ट्रेन किस समय में चल रहा है, उसका जो टाइम टेबल है उसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिल जाता है अखबार में। आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स मीन्स टॉपिक्स and discussions, okay? Articles on different topics such as health, agriculture and industry increase our knowledge. Articles मतलब जो एक एक टॉपिक के ऊपर में जो रिपोर्ट आता है, जो लिखाई आता है, उसको कहते हैं आर्टिकल्स। सो आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, तरह तरह की विषय में जो डिस्कशंस होता है वो मिल जाते हैं हम लोगों को न्यूज़पेपर में। जैसे कि साचेस मतलब जैसे कि क्या क्या, हेल्थ स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, एंड इंडस्ट्री कारखाना मीलों में जो बनता है उसके बारे में क्या क्या घट रहा है, कहाँ क्या कारखाना बन रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में जो जानकारी मिल जाता है। एंड दोस थिंग्स इंक्रीज आवर नॉलेज, हमारा ज्ञान को बढ़ा देते हैं। जो भी चीज़ हम लोगों को अखबार में मिलता है उसके जरिए ज्ञान मिलता है। द एडिटोरियल्स, एडिटोरियल्स मतलब न्यूज़पेपर, जो लोग न्यूज़पेपर में जो एडिटर रहते हैं, जो न्यूज़पेपर का पूरा चारों ओर देखभाल करते हैं, न्यूज़पेपर के लिखावट से लेके पिक्चर को लेके टॉपिक के लेके स्पेलिंग लेके सेंटेंस लेके जो देखते हैं उसको एडिटर कहते हैं। न्यूज़पेपर का मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका रहता है उसको कहते हैं एडिटर। ओके, किस तरह रिपोर्ट छपा जाएगा, किस तरह रिपोर्ट छपने से इंसान के
दिल में मन में जाएगा, या तो किस तरह रिपोर्ट छापना नहीं छापना है इसके बारे में जो रखते हैं खबर उसको कहते हैं एडिटर। तो हम लोग का कुछ भी प्रॉब्लम होता है हम लोग एडिटर को लिख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, आप आपका पेपर में मेरा एक प्रॉब्लम को थोड़ा दिखाइए लिखिए। तो एडिटर क्या करते हैं उस प्रॉब्लम को लिख देते हैं और उसका जो सलाह जो है क्या प्रॉब्लम कैसे क्या हो सकता है वो एडिटर जिस डिपार्टमेंट पे वो मतलब जिस डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है प्रॉब्लम उसको हल निकालने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द एडिटोरियल्स। ओके, एडिटोरियल्स मतलब जो चिट्ठी एडिटर को लिखा जाता है। सो एडिटोरियल्स एंड द लेटर्स टू एडिटर्स। एडिटोरियल्स होता है एक जो रिपोर्ट एडिटर होता है वो एक कलाम में कुछ लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिटोरियल्स। और लेटर्स टू एडिटर्स मतलब हम लोग आम जनता जो चिट्ठी वगैरह लिखते हैं उनको उसको कहते हैं एडिटोरियल लेटर्स। सो एडिटोरियल्स क्या होता है, अखबार में एक कॉलम रहता है जिसमें एडिटर कुछ लिखते हैं, कुछ इशू लेके लिखते हैं। और एडिटोरियल लेटर्स किसको कहते हैं, आम जनता से कोई अगर लिखता है एडिटर को कुछ उसको कहते हैं एडिटोरियल लेटर्स। तो ये सब कुछ हम लोगों को अखबार में मिलता है एंड दोस हाईलाइट करंट इशूज एंड फॉर पब्लिक ओपिनियन। वो करंट जो इशू है उस इशू के बारे में चर्चा करते हैं और इंसान आम जनता जो डिसीजन लेते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जाता है। द अजानी सुपर हैज बिकम पार्ट एंड पर्सन। पार्ट एंड पर्सन मतलब एक अहम हिस्सा, पार्ट एंड पर्सन ऑफ आवर डेली लाइफ, हमारा जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। कौन सा? न्यूज़पेपर। ओके, बट वी शुड बी केयरफुल। हम लोगों को सावधानी बरतना है, सावधान होना है इसके बारे में, इंक्लूडिंग द न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ते समय। मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स आर पार्टी पेपर्स। ज्यादा से ज्यादा अखबार जो है पार्टी कंट्रोल करते हैं, कोई भी एक पार्टी, देश में बहुत सारा राजनीतिक पार्टी है, वो लोग कंट्रोल, उनके बाद ही बताया जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, हम लोगों को मिसगाइड नहीं होना है। एंड दे ट्राई टू मिसलीड एंड मिसगाइड द रीडर्स। अपने फायदे के लिए पार्टी पॉलिटिक्स के जो लीडर लोग जो होता है, राजनीतिक व्यक्तित्व जो होता है, वो आम जनता को थोड़ा क्या करते हैं, इधर उधर करना चाहते हैं अपना तरफ खींचने के लिए। तो वो ये लोग फॉल्स न्यूज़ कभी कभी देते हैं, तो इनसे हम लोगों को दूर रहना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टू पैराग्राफ्स। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम व्होएवर कुड नॉट अंडरस्टैंड, नाउ यू वेल अंडरस्टैंड। ओके, सो यू मस्ट राइट दिस टू पैराग्राफ्स इन योर कॉपी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन। इफ दिस टॉपिक्स आर गिवन इन योर एग्जामिनेशन पेपर, सो यू कैन राइट ऑफ योर ओन from other books, from other sources as well, and you can write from this writing also. And if you have any doubt regarding these two paragraphs, word, meanings, sentence, in understanding, so you must contact me, you must call me, and that will be cleared instantly. Okay? So I think this is a very good, this is a very good thing that you are getting these two paragraphs, and I have already written for you. You don't need to write. If you want to write, that is also welcome, because these are the samples. You can write in your own way, you can write from other books. So for today, this is all about in this class. So I think you are satisfied, you are pleased enough, so you will try to understand everything whatever I told. Now, tata, bye bye all of you, have a nice day.